नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ जो बीमारी जो है काफ़ी सारे लोगों को हो चुकी है, और कोविड के कारण जो है इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इस बीमारी ने क्रिएट की है, और व्यक्ति को पता भी नहीं होता है कि उसको ये इस टाइप की मानसिक बीमारी है। जी हाँ, जैसे आपको थंबनेल में दिख ही गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं OCD मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका कारण क्या होता है, ये हम पूरे वीडियो में जानने वाले हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ जो है लाइक करना ना भूलें, और इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। और यदि आपको हमसे फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो आप जो है हमारे डेली लाइफ क्लिनिक पर जुड़ सकते हैं, जो अल्टरनेट डे पर होता है रात को 8:30 बजे। यदि आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप के लिए आप हमारे नंबर, व्हाट्सअप नंबर जो हमारा है 7880075175 पर हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। दोस्तों, OCD क्या होता है? OCD एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसको हम साइकेट्रिक जो है कंडीशन बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं, है ना? एक होता है ऑब्सेशन और दूसरा होता है कंपल्सन। ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति जो है उसको एक विचार आता है ना। OCD के बारे में मैं आपको शॉर्ट में पहले बता देता हूँ। OCD का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर एक विचार बार बार दिमाग में आना, और उस विचार के कारण व्यक्ति जो है रिपीटेड जो है कोई सी भी चीज़ करने लग जाएगा, है ना। हाथ वॉशिंग मेनिया हो जाएगा, मतलब हाथ धो रहे हैं तो हाथ ही धोते रहेंगे, दिन में जो है 20 बार 30 बार हाथ धो देंगे, है ना। ऐसे केसेस जो है बहुत सारे टाइप्स हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता रहा था कि OCD की यदि शाब्दिक मीनिंग हम देखें तो ऑब्सेशन क्या होता है। ऑब्सेशन का मतलब होता है आपके दिमाग में कोई विचार आना, है ना। सबसे पहले जो है हम समझ लेते हैं कि जैसे वॉशिंग मेनिया है, यदि हाथ धोने की यदि आपको बीमारी है, ऑब्सेशन है, तो आपको जब भी आप किसी चीज़ को हाथ लगाएंगे तो आपको कंटिन्यूअस जो है आपके दिमाग में थॉट बना रहेगा कि आपके हाथ गंदे हैं, आपके हाथ गंदे हैं, है ना। कंटामिनेटेड है, आपके हाथ गंदे हैं, पूरा शरीर गंदा है, धोना पड़ेगा धोना पड़ेगा, मतलब ये जो है दिमाग में चलते रहेगी, है ना। यदि आपको एको टाइप का जो है एक ऑब्सेशन होता है, जैसे सिमेट्रिकल यदि कोई सी भी चीज़ नहीं है, व्यवस्थित कोई सी चीज़ नहीं रखी है, तो आप बहुत चिड़चिड़े हो जाएंगे कि यार ये व्यवस्थित क्यों नहीं है। आप तुरंत वहाँ पे जा करके व्यवस्थित करने लगेंगे, व्यवस्थित पेन अपनी जगह, कॉपी अपनी जगह होनी चाहिए, है ना। ड्रेसिंग व्यवस्थित होनी चाहिए, मतलब इसको लेकर के भी आपको OCD हो सकता है। एक प्रकार का OCD हो सकता है सेक्सुअल थॉट्स का। यदि आपको बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं, गंदे विचार आने लग जाते हैं, फैमिली मेम्बर्स के प्रति भी आने लग जाते हैं, तो भी एक ऑब्सेशन हो सकता है। तो ऐसे जो है कई टाइप के ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकते हैं। अब यदि हम बात करें ऑब्सेशन की, मैं बात कर रहा था, जैसे वॉशिंग मेनिया को हम सबसे पहले लेते हैं, तो वॉशिंग मेनिया में क्या होता है, ऑब्सेशन हो गया। सबसे पहले ऑब्सेशन यहाँ से, मतलब दिमाग से में थॉट आए कि हाथ आपके गंदे हैं, आपको इसको धोना है, आपके हाथ गंदे हैं, चाहे आप किसी चीज़ को हाथ थोड़ा सा भी छू लोगे तो आपको लगेगा आपका पूरा हाथ गंदा हो गया, अब इसको धोना है। तो ये ऑब्सेशन हुआ। कंपल्सन क्या हुआ? कंपल्सन का मतलब होता है कि जब भी ऑब्सेशन हुआ, विचार आया, तो फिर आप तुरंत बेसिन की ओर दौड़ेंगे, साबुन को हाथ में लेके अच्छे से धोएंगे, है ना। और ये कंपल्सन हो गया, मतलब विचार जो है आया, फिर आपने उसको कार्य में परिणित कर दिया। तो जो कार्य में परिणित किया है वह आपका कंपल्सन हो गया। तो कंपल्सन क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति को जो है ऑब्सेशन और कंपल्सन का दौर इतना ज़्यादा बढ़ने लग जाता है कि वो जो है दिन में, यदि वॉशिंग मेनिया है तो दिन में 50 से 60 बार हाथ धो देते हैं। उनके घर पे साबुन जो होती है वो हर दिन खत्म हो जाती है, ऑब्सेशन और कंपल्सन डिसऑर्डर के पेशेंट को यदि वॉशिंग मेनिया है तो। तो इस प्रकार के पेशेंट बहुत ज़्यादा एंजाइटी उनको होती, बहुत ज़्यादा अंदर के अंदर डिप्रेशन होने लगता है, और व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि उनको कोई बीमारी है, उनको कोई मानसिक बीमारी है। घर वाले भी जो है ध्यान नहीं देते हैं, घर वाले बोलते हैं कि यार तुम या तो नाटक कर रहे हो या फिर तुमको जो है ना
या तो तुम पागल हो गए हो और ये तुम्हारे हाथ में ही है और तुम इसको सुधारो, परंतु पेशेंट के हाथ में कुछ नहीं होता है। पेशेंट के तो विचार मतलब दिमागी तौर पर जो है ये बीमारी है, तो पेशेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर क्या हुआ कि आपको एक ही प्रकार के विचार, मानसिक विचार जो है बार बार दिमाग में आ रहे हैं, और उस विचार के कारण आप जो है किसी भी एक्शन को जो है कर रहे हो। जैसे वॉशिंग मशीन में हाथ धोने लग जाते हैं, सिमेट्रिकल वे में यदि कोई सी भी चीज़ जमी नहीं है तो सिमेट्रिकल वे में जमाने लग जाएंगे, उनका दिन भर का रूटीन ये रहेगा, है ना। किसी को झाड़ू लगाने का है तो दिन भर झाड़ू लगाते रहेंगे, है ना। किसी को कोई भी एक ऐसी आदत हो सकती है जो विचार के रूप में परिणित होगी, जैसे झाड़ू का जो मैंने केस बताया है, तो यदि हर 5 मिनट में 10 मिनट में उनको ऐसा लगेगा कि घर में कचरा आ गया है अब झाड़ू लगाना है, तो उनके हाथ में आप 24 घंटे झाड़ू भी देखेंगे। ऐसे पेशेंट जो उनको सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, तो उनको जो है बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आएंगे, उनको बहुत ज़्यादा जो है गंदी फीलिंग होगी, फैमिली मेम्बर्स के प्रति गंदी फीलिंग होने लग जाएगी, तो ये उस कारण से भी वो जो है कंपल्सन की ओर आ जाते हैं, और इस कारण से वो मास्टरबेशन के एडिक्शन हो जाते हैं, इस कारण से वो गंदी आदतों में लग जाते हैं। तो ये जो सारी बीमारियां होती है, ये कहीं ना कहीं आप इसके कारण को मैं आपको बताता हूँ, ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि इसके कुछ फैक्टर होते हैं जिस कारण से आपको ओसीडी की प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि ओसीडी होता क्या है। ओसीडी जो है एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति एक ही चीज़ रिपीटेड करने लग जाता है, और उस चीज़ के कारण उसको घबराहट होती है, मतलब एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। कहीं ना कहीं पेशेंट को एक ओसीडी इस टाइप का भी होता है कि पेशेंट को जैसे ही उसने धारदार चीज़ देखी, धारदार कोई हथियार देखा, वो किसी को जो है किल करने को उतारू हो जाएगा, है ना। चाकू देख लिया तो चाकू को देख करके एग्रेसिवनेस उसके शरीर में आ जाएगी, और वो किसी भी चीज़ को काटना, चीरना, फाड़ना का जो है टेंडेंसी उसके अंदर हो जाएगी। मतलब आपने यदि उसके हाथ में चाकू थमा दिया तो हो सकता है वो घर वालों को भी क्षतिग्रस्त कर दे। तो ये जो है एक मानसिक बीमारी बहुत खतरनाक होती है। और ऑब्सेशन और कंपल्शन आपको बता चुका हूँ, आप ऑब्सेशन को एक मानसिक थॉट बोल सकते हैं, एक विचार बोल सकते हैं, और कंपल्शन को बोल सकते हैं उस विचार का जो है कार्य परिणति को आप कंपल्शन बोल सकते हैं। लक्षणों पर मैंने आपको बताया कि लक्षण जो है इसके टाइप पर डिपेंड करते हैं। वॉशिंग मेनिया है तो बार बार हाथ धोने की टेंडेंसी होगी, और जितने भी मैंने आपको ओसीडी के टाइप बताए उसमें उसी दरमियान जो भी डिसऑर्डर होगा उससे रिलेटेड सिम्टम आएंगे। परंतु इसमें जो है कुछ सिम्टम आपको सभी ओसीडी में देखने को मिलेंगे, जिसमें जो है वो आपका जो है डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, टेंशन, ये सारी चीज़ें जो है जो मानसिक लक्षण होते हैं वो सब कुछ ओसीडी के केस में देखने को मिलेंगे। ओसीडी का मेन कारण यदि हम देखें तो ओसीडी का मेन कारण होता है आपके दिमाग में जो है सीरोटोनिन की कमी हो जाना। अब सीरोटोनिन क्या है? सीरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक केमिकल है जो हमारे दिमाग में हमारी ब्रेन्स के सेल्स के बीच में होता है। ये सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है संदेश को, मैसेज को ले जाता है। सीरोटोनिन की कमी के कारण ओसीडी हो जाता है, ठीक है, सिंपली वे मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये होता क्यों है, सीरोटोनिन की कमी क्यों हो जाती है? देखिए प्रोमिनेंटली जो है बहुत सारे जो है इसके कारण हो सकते हैं, हम आपको केवल 3-4 कारण आपको बताता हूँ जो मोस्टली हम लोग हमारे क्लिनिक में देखते हैं। सबसे पहले कारण होता है जेनेटिक फैक्टर। यदि आपके घर में किसी को कोई ऐसी बीमारी रही हो, मानसिक बीमारी रही हो, सिजोफ्रेनिया रहा हो, स्प्लिट पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम रही हो, है ना, तो हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम हो जाए। दूसरा कारण होता है किसी अप्रिय घटना का घट जाना। कोई जो है ऐसी आपके घर में आपको आपके नियर एंड डियर जो भी हो उनकी डेथ हो जाना, जिस कारण से आप जो है आपको दिल में इतना सदमा लगना, दिमाग में इतना सदमा लगना कि आप उस सदमे से निकल नहीं पा रहे, तो आपको ये ओसीडी की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब अप्रिय घटना के कारण भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तीसरा कारण होता है दोस्तों कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिए हो, आप किसी एक पर्टिकुलर थिंग को लेकर के आपने इतनी ज़्यादा टेंशन ले ली है कि अब वो जो पर्टिकुलर थिंग है आपके दिमाग से निकल ही नहीं रही है। जैसे कोविड के केस में मैंने आपको बताया, कोविड के केस में क्या हो रहा है कि जैसे हम सारे गवर्नमेंट से लेकर के और सारे लोग हमको बोल रहे हैं कि हाथ को बार बार धोना है ना, सैनिटाइजर से धोना है,
तो व्यक्ति के यदि कोई नियर एंड डियर जो है कोई भी प्रिय व्यक्ति या घर का मेंबर कोविड से यदि वो शांत हो जाता है ना, जो उनकी मृत्यु कोविड के कारण हो जाती है, और यदि उस पेशेंट को पता लगा कि वो प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं कर रहे थे, जो डेड पर्सन है ना, जो मरे हुए व्यक्ति थे वो जो मर गए हैं, सॉरी, वो जो है वो प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको कोविड हुआ और इसलिए वो शांत हो गए। तो व्यक्ति जो है, क्योंकि पहली बात कि कोविड से डरा हुआ है, दूसरा ये कि और उसका जो जो भी रिलेटिव है, वो रिलेटिव जो है वो उस कारण से जो है शांत हो गया था, उन्होंने प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं की थी इसलिए। तो क्या हुआ, तो व्यक्ति के मन में चिंता रह गई कि नहीं, यदि मैं भी हाथ नहीं प्रॉपर तरीके से धोऊंगा तो मेरी भी मौत हो जाएगी। तो वॉशिंग मैनिया बहुत से लोगों को हो रहा है, वो बार बार हाथ धोते रहते हैं, बार बार साबुन से सैनिटाइजर से हाथ धोते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी हो सकती है आपके साथ में, मतलब कि एक तो आपका इनर फैक्टर हो सकता है, मतलब मानसिक तनाव आपको हो सकता है, जो है दिमागी तौर पर आप जो है बीमार हो सकते हो, दिमागी तौर पर आप खुद ही अंदर के अंदर ओसीडी को डेवलप कर सकते हो। दूसरा कारण होता है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर, आपकी इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है, आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है, आप किन लोगों के बीच में रहते हो, उससे भी डिपेंड करता है कि आपको ओसीडी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इन शॉर्ट दी है, वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ओसीडी पर कुछ वीडियो सीरीज ला रहे हैं हम लोग। आपको ओसीडी के लक्षण पे भी प्रॉपर वीडियो मिलेगा, साथ में जो है इसके ट्रीटमेंट पर भी मिलेगा। इसका ट्रीटमेंट इन शॉर्ट आपको बताऊं तो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट इसमें होता है, साइकोथेरेपीज इसमें होती है, और कुछ मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी होता है। एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम में आप जा सकते हैं, नो डाउट आपको आप डायग्नोज कर सकते हैं, आप जो है साइकेट्रिक की काउंसलिंग ले सकते हैं, साइकोथेरेपी ले सकते हैं, परंतु होम्योपैथी आपके लिए बहुत शानदार काम करेगी ओसीडी के केस में। हम लोगों ने भी काफ़ी पेशेंट ठीक किए हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं होम्योपैथी से, क्योंकि होम्योपैथिक डायरेक्टली आपके जो है माइंड सिम्टम पर वर्क करती है, और आपके अंदर जो है ओसीडी की जो भी कारण हो, चाहे वो आपको शॉक लग गया था उस कारण से हो, आपको चिंता के कारण हो रहा हो, ये तो करती ही करती है, मतलब जो मेंटल सिम्टम्स है उसको तो कवर करती है, उसको ठीक करती है, साथ में जो सीरोटोनिन की कमी है उसको भी बढ़ाती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यदि आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7880075175। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि आपको ये वीडियो लास्ट तक देख लिया है, अच्छा लगा है, तो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करके सभी तक शेयर करना ना भूलें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। यदि आपको फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमें हमारे लाइव क्लिनिक पर भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आप जो है जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आपको समझ में आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।